जब आपने तिरंगे के साथ ही कर लिया तो क्या मीडिया, क्या तिरंग, क्या देशद्रोह? हमारे लिए तो सबसे बड़ा तिरंगा है, आपके लिए सबसे बड़ा तिरंगा है। अगर आपने तिरंगे की मान सम्मान नहीं रखी तो हमारा क्या रखेंगे? अगर कल गए भारत का ध्वज झुकता है, इसका मतलब 130 करोड़ देशवासी झुकते हैं। कल गए ये नहीं होगा कि ये रवि जी झुके कि विकास जी झुके, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है अपमान किसका हुआ है। मैटर सिंपल सा है कि अपमान हमारे तिरंगे का हुआ है, हमारे सम्मान का हुआ है, हमारे स्वाभिमान का हुआ है, हमारे प्रतिष्ठा का हुआ है। ये कोई व्यक्ति विशेष का मैटर नहीं है, ये मैटर केवल और केवल देश के मान और सम्मान का है। सामने मैं जिस बिल्डिंग में था उसमें आरएसएस से फरायदा वहाँ पे आरएसएस का अपमान पुलिस वाले ने किया। कौन से क्या है पुलिस वाले ने किया? आप कौन है? आप कौन है? आदमी वहाँ पे पुलिस वाले घायल हुआ। ये पुलिस वाले तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इस फोटो वीडियो का नहीं दिखाएगा कोई भी, ये बदमाश है। वीडियो वीडियो में देख लो जी, गलत बात है आपकी, गलत कर रहे हैं जी। कह रहे हैं किसान राज को भगा देंगे, किसानों के किसानों को मुक्त भाग है, होरी तक नहीं आई। नीचे वाले वहाँ कह रहे हो, कह रहे पुलिस वालों को ठा रहे मान किया। क्या मतलब है तुम यहाँ आते हो? झूठी झूठ फैलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान 90% मीडिया जी सारा ही बिक रहा है, तो 100 बिक रहा है। रबड़ की गोलियां चलाई गई हैं छुप छुप के सरकारी बिल्डिंगों में। सच्चाई नहीं दिखा रहा कोई भी। तिरंगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम भी हिंदुस्तानी, हमारा धर्म से ऊपर पहले तिरंगा है। जहाँ की देखा गया था लाल किले पे, हम लोगों ने भी देखा था वीडियो, सबने देखी थी। बंदे को तिरंगा भी दिया गया था बट बंदे ने फेंक दिया तिरंगा को और अपना झंडा लगाया। आज ये बोल रहे हैं दीप सिद्धू किसी के अगेन में है, किसी का रिलेटिव है, वो हमें मतलब नहीं है। आईटीओ पे जो ट्रैक्टर नचा रहा था वो कौन था? है पुलिस वाले को जो खदेड़ रहा था वो कौन था? आपने तरह तरह की वीडियो देखी होगी वहाँ पे, सब कुछ बिल्कुल आप लोगों ने भी वीडियो देखा। क्या वो एडिटिंग था? है वो दीप सिद्धू कर रहा था? मान के चलो दीप सिद्धू का तो फोटो बहुत के साथ होगा भैया। वो इतने दिन से शांतिपूर्ण चल रहा था आंदोलन। हम लोग बोल रहे थे अभी तक किसान आंदोलन था, लेकिन अब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन रहा ही नहीं। इतने दिन से हम डेली आते थे, डेली एक शाम जॉब करने वाले लोग हैं हम लोग, डेली आते थे शाम में देख के जाते थे, लेकिन अब किसान आंदोलन की कोई बात ही नहीं रही। सब देशद्रोही है, इसमें कोई भी किसान आंदोलन सुनो आप लोग मीडिया आज ये जवान हमारे दौड़ाया जा रहा था, जवान हमारे सुरक्षा के लिए है। आंदोलन 2 महीने से चल रहा था शांतिपूर्ण, सब कुछ सब बात शांत से हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज जो इन्होंने किया है 26 जनवरी पे, आज हमने कोरोना वैक्सीन बनाया, पूरा वर्ल्ड हमारा तारीफ कर रहा था, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और हम लोग यही बोलते हैं तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बातें क्लियर है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो यही नोएडा रहते हैं। धन्यवाद। तो आपको जो था
खाली करवा। क्या कहना है आपका, किस तरह से ये सारी सारा घटना क्रम 26 जनवरी इसके बारे में? मेरा कहना यह है, झंडे को जो गिराएगा वो देशद्रोही होगा, उस पर रासुका लगनी चाहिए और वो देश के अंदर काले पानी में डालना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। बस भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? जिस तरह पुलिस वालों को वहाँ से लाल किले से नीचे फेंका गया, क्या कहना है इसके बारे में? किसान कोई मरा, एक बंदा मरा, अपने वजह से मरा ना, ओवरटेक कर रहा तो क्यों मरा? और हमारे जो पुलिस वाले जवान कितने मरे पता है आपको? कितना मरे वो भी देखो ना, क्या हमारे किसान गोली चला रहा, बहुत चला रहा, किसी गोली चलाई नहीं है, वो देखो ना सबकी, हमारे वो चला रहे। हटाना चाहिए, आम आदमी आगे आना चाहिए और हटाना चाहिए इसको। हमें जाने में दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, हॉस्पिटल जाने में, ड्यूटी जाने में दिक्कत हो रही है, हटाना चाहिए। जैसे सिद्धू बॉर्डर में कल, बिल्कुल बिल्कुल, हमने टोटल देखा है यार, कल पूरा विश्लेषण जो सुधीर चौधरी ने किया था उसमें हम लोगों ने अंदर का, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसीलिए आए हैं, अभी हम लोग हैं यही हैं। बिल्कुल, हम लोग छुट्टी के बाद ही यहाँ आए हैं और रहेंगे, अभी रहेंगे, रात को 10 बजे तक रहेंगे, 11 बजे तक हटेगा नहीं जब लोग 30 मतलब जितने दिन से आरएसएस वालों का नाम आता, बीजेपी वालों का नाम आता, तो लाके आगे खड़े करें उसे, इंजाम लगाने से पहले उसे आगे खड़े करें, फिर उसके बाद इंजाम लगाएं। जो इन्होंने अपमान करा झंडे का 123 कंट्री में, वो नहीं सहेगा देश हमारा हिंदुस्तान। देखो पत्तमीजी, हर आदमी के साथ हुई थी, आम आदमी के साथ भी हुई थी, पुलिस वालों के भी साथ हुई थी, उनके हाथ पांव तोड़े गए थे और क्या कहते हैं, बहुत अत्याचार करा गया पुलिस वालों के साथ, आम आदमी के साथ, और झंडे का अपमान, ये सारे देशद्रोही हैं, अपमान करने वाले देशद्रोही हैं, झंडा उखाड़ने वाले देशद्रोही हैं। जिस तरह पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर पत्थर फेंके गए थे, क्या कहना है इसके बारे में? पत्थर का तो मेरे को ये कहना है कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ में। क्या ये किसान हो सकते हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है पुलिस के ऊपर? मैं नहीं मान सकता, मैं इन्हें देशद्रोही कहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं भाई साहब यहीं रहता हूँ, आसापुर बिहार में कौसाम्बी। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। क्यों इतना रवि जी नाराज है? कल जो लाल किले पे जिन जो इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरा मन दुखी है इसको लेके। जिस तरह वहाँ पे मीडिया के साथ, पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है, जब आपने तिरंगे के साथ ही कर लिया तो क्या मीडिया, क्या तिरंग, क्या देशद्रोह? हमारे लिए तो सबसे बड़ा तिरंगा है, आपके लिए सबसे बड़ा तिरंगा है। अगर आपने तिरंगे की मान सम्मान नहीं रखी तो हमारा क्या रखेंगे? अगर कल गए भारत का ध्वज झुकता है, इसका मतलब 130 करोड़ देशवासी झुकते हैं। कल गए ये नहीं होगा कि ये रवि जी झुके कि विकास जी झुके, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है अपमान किसका हुआ है। मैटर सिंपल सा है कि अपमान हमारे तिरंगे का हुआ है, हमारे सम्मान का हुआ है, हमारे स्वाभिमान का हुआ है, हमारे प्रतिष्ठा का हुआ है। ये कोई व्यक्ति विशेष का मैटर नहीं है, ये मैटर केवल और केवल देश के मान और सम्मान का है। हमें किसी व्यक्ति विशेष से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं, हमारा सिंपल है कि आपको तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं, सबसे बड़ा तिरंगा है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तिरंगे से ऊपर कोई भी ध्वज नहीं हो सकती, हर धर्म अपनी जगह है, तिरंगा सर्व धर्म संभाव की भाव रखती है। बिल्कुल, बस तिरंगे का अपमान आपने किया है, जिन्होंने किया है उनके खिलाफ जो प्रशासन है उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई करें कि 7 पुश्तें, आने वाली 7 नस्लें ऐसी ऐसे कार्यता करने से पहले इस बात को सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बस जैसा कि आपने देखा, ये कॉमन मैन है जो बहुत ही नाराज है, जिस तरह से 26 जनवरी पे तिरंगे को ऊपर से फेंका गया था, इसलिए कॉमन आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा नाराज है। ये गाजीपुर बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आसपास के लोग बाहर निकल कर आए हैं कि ये किसान आंदोलन की आड़ में ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल शर्मनाक है और बिल्कुल निंदनीय है और इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।